मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रात 7:30 बजे बैजनाथ में पहुंचकर भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज शिमला में घोषणा पत्र जारी करने की वजह से तथा जिला कांगड़ा में 4 जनसभा होने से यहां देरी से पहुंचा हूं। भीड़ को देखकर सीएम ने विधायक की पीठ थपथपाई। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि किशोरीलाल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं तथा बाकियों की जमानत जब्त करवाएं। उन्होंने विधायक की प्रशंसा करते हुए कहा कि विधानसभा में सबसे अच्छे विधायक हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए हमेशा मांग करते रहते हैं तथा उनकी मांगों को नकारा नहीं जाता है। ऐसे विधायक बहुत कम होते हैं। बहुत समय शिमला में ही रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र है वो आज रिलीज हुआ, उसकी वजह से जो है कई घंटे वहां लगे और हमारा जो ये 8 दिन का सिलसिला है ये से शुरू हुआ। और मुझे बैजनाथ में आकर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि बैजनाथ एक ऐसा हल्का है जिसका मुझे एक एक चप्पा जो है पैदे चला हुआ है। मेंबर था, लोकसभा का मेंबर था, तो एक चुनाव में बैजनाथ को भी मंडी पार्लियामेंट्री हल्के में शामिल किया गया था। तब मेरा पहली दफा यहाँ पर आने का मौका मिला और मेरे पूरे 5 साल तक मैं यहाँ का सांसद रहा। और यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं श्री किशोरीलाल जी, और वो दूसरी बार इस पद पर आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए मैदान में है। मैं समझता हूँ कि हमारे हिमाचल में जो सबसे अच्छे जो विधायक है, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, उनमें से एक किशोरीलाल जी। और उन्हें सारा जब भी मुझसे मिलते हैं, चाहे पत्र लिखते हैं या कहीं भी मिलते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं और उनको तब तक नहीं जाते जब तक की समस्याओं का समाधान ना हो। विधायक एवं प्रत्याशी कांग्रेस किशोरीलाल ने बैजनाथ मेला ग्राउंड में आए मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने विधायक किशोरीलाल के पक्ष में हजारों लोगों को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विधायक किशोरीलाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बैजनाथ में गुंडाराज समाप्त करवाकर यहां खुशनुमा माहौल कायम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने विधानसभा में निरंतर विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें बैजनाथ में अग्निशमन केंद्र की स्थापना, बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में सीवरेज का कार्य जल्द शुरू, बैजनाथ विधानसभा में सड़कों का निर्माण व नवीनीकरण के लिए लगभग 1 अरब से ऊपर खर्च करना, पुलों का निर्माण, शिक्षा का क्षेत्र, पंचायती राज संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सत्र उन्नत करवाना मुख्यमंत्री की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की गई है। बेटी है अनमोल योजना के तहत 2015-16 में 7,96,100 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस विकास की जननी है तथा ये विकास क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर सह प्रभारी रंजिता रंजन, प्रभारी वैजनाथ ओम प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक सोगिंदर नगर सुरेंद्र पाल, सचिव राकेश चौहान तथा भारी जनसमूह मौजूद रहा। अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय भाई बहन बंधु बैठे हैं, यही मेरी जान है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा परिवार है, इनकी बदौलत छोड़ना चुनाव जीतना जा रहा है, यही मेरी प्रार्थना है। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इन 5 वर्षों में विकास का भंडार कर दिया आपने, आपका मैं कर्जदार हो गया हूँ। बैजनाथ का जो बस स्टैंड है उसे कंक्रीट आपकी कृपा से बनाया गया, आपके रेजिडेंस बन रहे हैं आपकी कृपा है। पंडित संतराम डिग्री कॉलेज बैजनाथ में MA इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और कई सब्जेक्ट जो है उसकी स्वीकृति आपने दी है। निर्माण चिड़ियार में सब तहसील, चिड़ियार में पुलिस चौकी, मुल्तान में पुलिस चौकी, मुल्तान में गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपकी कृपा है। IIT बैजनाथ में 6 नए